बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सहीम फैसल, सीईओ फैसलाबाद रियल्टर्स, अपनी तमाम रियल एस्टेट कम्युनिटी, रियल एस्टेट बरादरी की वसातत से आज हुकूमत पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जितने भी लॉ एंड सिक्योरिटी फोर्सेस एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट के जो भी अदारे हैं, पंजाब गवर्नमेंट है, उन सब से हम ये अपने रियल एस्टेट बरादरी की विसासत से ये हम रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि बराए करम, चूँकि रियल एस्टेट सेक्टर एक सर्विसेज का सेक्टर है, पहले ही मुल्की हालात की पेश नज़र ये काम बहुत अच्छा नहीं था, अब चूँकि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे पैकेजेस कंस्ट्रक्शन के हवाले से, रियल एस्टेट के हवाले से कुछ चीज़ें अनाउंस की हैं, तो ये हम गुजारिश करना चाह रहे हैं कि बराए करम रियल एस्टेट सेक्टर को अपने सिक्योरिटी मेजर्स के हवाले से पूरा करते हुए इस सेक्टर को खोलने की इजाज़त दी जाए। चूँकि अब हम घरों में बैठेंगे तो हम काम नहीं कर सकेंगे, बहुत सारे लोगों का जिस तरह बाकी मुल्क की मईशत डिस्टर्ब है, इस तरह रियल एस्टेट सेक्टर, चूँकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा लोगों के साथ पब्लिक डीलिंग नहीं होती, इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, और इस इन्वॉल्वमेंट को हम मज़ीद सिक्योरिटी मेजर्स के अंदर रखते हुए हम काम कर सकते हैं। हमारी सारी रियल एस्टेट की बरादरी अपनी सिक्योरिटी मेजर्स को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से पहले फुलफ़िल कर रही है, और हम उम्मीद करते हैं और गवर्नमेंट से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हम इन सिक्योरिटी मेजर्स को पूरा करते हुए हम अपने रियल एस्टेट का काम करेंगे। हमें भी जिस तरह बहुत सारी चीज़ों को गवर्नमेंट ने स्लोली स्लोली जो एक्सपोर्टर्स को इजाज़त दी है, इसी तरह बहुत सारे हमारे नॉलेज में आके टेक्सटाइल सेक्टर जो है इस वक्त चल रहे हैं, और बहुत सारे बाज़ार में भी कुछ शॉप्स खुली हुई हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गैदरिंग होती है, जहाँ पर रश होता है, वहाँ तो डेफिनेटली कोरोना का प्रॉब्लम है, लेकिन चूँकि हमारी इस कम्युनिटी में काम करने के लिए बहुत ज़्यादा गैदरिंग की ज़रूरत नहीं होती, हमें तो जस्ट एक क्लाइंट को लेके जाना है, उसने अपनी गाड़ी में जाना है, हमने अपनी गाड़ी में जाना है, हमने उसको विज़िट करवाना है, उसको सर्वे करवाना है, उससे बैठ के वन टू वन डील करनी है, तो हम 4 फुट का 5 फुट का 8 फुट का फासला मेंटेन रख के भी गुफ्तगू कर सकते हैं। तो लिहाजा इन सारी चीज़ों को, ये सारी जो ना वो गवर्नमेंट को भी पता है कि बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं, बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं कि जिनको खोले बगैर हम अपनी मुल्की मईशत का पहिया नहीं चला सकते, उसमें रियल एस्टेट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो मैं अपनी इस सारी बरादरी की वसासत से गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ कि बराए करम हमें इस पूरी लॉकडाउन के अंदर, हमें कम से कम सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक हमें भी इस इजाज़त के अंदर शामिल किया जाए, ताकि हम जो ना वो अपनी फैमिलीज़ को पाल सकें, इसी तरह हम और बहुत सारे लोग जो हैं जिनका निज़ाम डिस्टर्ब हुआ हुआ है, वो लोग भी अपना ये वाला एक मौशियत के अंदर रोल प्ले कर सकें। तो बराए करम गवर्नमेंट से ये हमारी अपील है कि हमें इस चीज़ की इजाज़त दी जाए, और बाकी जितने भी दोस्त अहबाब हमें ये इस हमारे चीज़ से इत्तफाक़ करते हैं, वो बराए करम इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तक पहुँचे। इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने ये अपील की है, किसी ने वर्बली मिल के अपील की है, किसी ने इस तरह किया, तो आप काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर करें, ताकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ हमारी ये आवाज़ पहुँचे, और हमारी आवाज़ पहुँचने के साथ अगर हमारा ये सेक्टर खुल जाए, हमारा नहीं बल्कि बहुत सारे सेक्टर्स को खोलने की ज़रूरत है, तो बराए करम इसको जितना हो सके इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।